चंद दिन पहले हमारे एक दोस्त हैं, पिकनिक के फार्मर हैं, काश्तकार हैं। उन्होंने शकरगढ़ से हमारे साथ ये एक वीडियो शेयर की, एक ग्रुप में लगाई और सारी उसकी डिटेल्स हमें बताई कि तरीका काश्तकारी उन्होंने क्या अडॉप्ट किया और कब लगाई और इस वक्त 30 जुलाई को उसकी क्या पोजीशन है, उसकी वीडियो बना के भेजी, वैरायटी कौन सी है और फिर लगाने का सारा तरीका ये साथ लिखा हुआ है। मैं काफ़ी दफ़ा इसके ऊपर बात कर चुका हूँ कि मूंगफली ही हमें बहुत अच्छी सर्वाइवल दे सकती है, क्योंकि ये बहुत ही प्रॉफिटेबल क्रॉप हो गई है। पहले नहीं थी, मेरे जो फैमिली थी उनका बिजनेस एडिबल ऑयल का था और लेट 50s में, अर्ली 60s में मैं देखता था कि पहाड़ जितने जितने बड़े ही दड़े लगे हुए हैं मूंगफली के, और उसको क्रश करके उसका तेल बनाया जा रहा है। आहिस्ता आहिस्ता मूंगफली गायब होती गई और फिर कॉटन सीड ने उसकी ले ली और कॉटन भी अब गायब हो के अब सारी ज़्यादातर हमारा जो एडिबल ऑयल का इन्हिसार है वो इंपोर्ट्स के ऊपर है। कॉटन की तो अलग स्टोरी है, लेकिन मूंगफली जो है उसकी क्यों प्रोडक्शन कम हो गई, उसकी वजह ये थी कि हमारा काश्तकारी का निज़ाम जो था वो गलत था। और ये ज़्यादातर क्योंकि बरानी इलाके में काश्त होती थी, क्योंकि गर्मियों की ये वाहिद फसल है जो अपना अच्छी पैदावार देती है और अच्छा प्रॉफिट देती है, लेकिन उसमें मसाइल जो हैं उसको हल करने के लिए किसी ने कोई काम नहीं किया। मसाइल इसके हल करने वाले ये थे कि सॉइल को किस तरीके से इम्प्रूव करना है ताकि इसकी पटाई हो सके। अब जिस तरीके से हमारी काश्तकारी होती है, हमने ज़मीन को तबाह व बर्बाद करी है, ज़मीन इतनी सख्त हो गई है ना, उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर है और इसकी पटाई जो है रंबे के साथ एक एक मूंगफली को उखाड़ के करना पड़ता है, जिसकी वजह से इसकी लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है हार्वेस्टिंग के ऊपर। और फार्मर उतने ही मूँगफली काश्त करते हैं जितने कि उनके पास लेबर होती है, और वो लेबर जो है की बेसिस के ऊपर के 2 एकड़ 4 एकड़ जितनी भी लगा, बड़े फार्मर आपको बहुत ही कम वहाँ पे मिलेंगे। हमने 80s में इसके ऊपर काम किया था, इनिशिएटिव किया था, कंबाइन हार्वेस्टर्स इसके इंपोर्ट अमेरिका से किए थे। और बहरहाल वो क्योंकि हम ज़ाती तौर पे सारा कुछ कर रहे थे तो उसकी सक्सेस स्टोरी इतनी नहीं है, लेकिन बात यह है कि इनिशिएटिव हमने ज़रूर लिया था 80s में कि इस क्रॉप को किस तरीके से हम आगे प्रमोट कर सकते हैं और उसको कर सकते हैं। अब भी अगर हम एडिबल ऑयल में ख़ुद को फील होना चाह रहे हैं तो पीनट इज़ द प्रोबेबली ओनली सॉल्यूशन। और फिर आप जिस तरह की कीमतें चल रही हैं मूँगफली की, उसमें ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल फसल है। इसमें से 20 मन और इससे ज़्यादा मूँगफली निकालना कतई तौर पर कोई मुश्किल नहीं है। और जब आप पिकनिक पर आ जाते हैं तो इसको उखाड़ना और इसकी हार्वेस्टिंग भी बहुत आसान हो जाती है। मैं दोस्तों को इनक्रेज करूंगा कि थोड़े पैमाने पे बेशक लगाएं, हर साल मूंगफली को लगाएं और आहिस्ता आहिस्ता उसको बढ़ाएं। बहुत शुक्रिया।